क्या आपको पता है अलग अलग कंट्रीज में काफी इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल वेडिंग ट्रेडिशंस अपनाए जाते हैं। ये वेडिंग ट्रेडिशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर वन, कीनिया मसाई में एक अजीबोगरीब रस्म ये है कि दुल्हन के मुंह पर थूका जाता है और गंजा भी कर देते हैं। नंबर टू, चीन के मगरबी सूबे सिचुआन में एक अजीबोगरीब रस्म ये है कि दुल्हन को शादी से एक महीने पहले रोजाना एक घंटे के लिए रोना पड़ता है। शादी से 10 दिन पहले दुल्हन की माँ और दादी इस रोने की रस्म में शामिल हो जाती हैं। नंबर थ्री, कांगो में कपल को अपनी शादी में हंसना अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि हंसने वाले लोग सीरियस नहीं है शादी को लेकर। नंबर फोर, इंडिया में एक रिवायत ये है कि अगर कोई लड़की मंगलिक है तो उसकी शादी दरख से कट दी जाती है, फिर वो दरख काट दिया जाता है, उसके बाद उसकी शादी हो पाती है। नंबर फाइव, ये यकीनी तौर पर अजीब है, साउथ कोरिया में शादी के दिन मेहमान दूल्हे के पांव बांध देते हैं और फिर दूल्हे के पैरों पर लाठियों और सूखी मछलियों से मारा जाता है। नंबर सिक्स, स्कॉटलैंड में दुल्हा दुल्हन को एक संगीन रस्म का निशाना बनाया जाता है जिसको ब्लैकनिंग कहा जाता है। इस रस्म में शादी से एक दिन पहले दूल्हा दुल्हन के दोस्त दूल्हा दुल्हन को ब्लैक कलर लगाते हैं और सड़कों पर शोर मचाते हैं। ये रस्म बुरी रूहों से बचने के लिए की जाती है। नंबर सेवन, कुछ जर्मन शादियों के मौके पर जोड़े के मेहमान दुल्हन के घर जमा होते हैं और कुछ मखसूस क्रॉकरी के टुकड़े टुकड़े करते हैं। इसके बाद जोड़े को सारा मलबा साफ करने को कहा जाता है ताकि जाहिर किया जा सके कि वो मिलकर भी काम कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। इस रस्म से एक और मुराद दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में खुशकिस्मती का आना भी है। नंबर एट, बोर्नियो में मलाइशिया और इंडोनेशिया के मखसूस कबाइल में एक ट्रेडिशन पाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि दुल्हा और दुल्हन को अपनी शादी की तकरीब के बाद पूरे 3 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें निगरानी में रखा जाता है और थोड़ी सी मिकदार में खाने और पीने को दिया जाता है। इनमें से कौन सा ट्रेडिशन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।